जी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इस सीरीज में देखने के लिए किस चीज़ फिल्म में देखें? देखिए, वी आर इन द शो बिज फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स. मेरे डैडी 1942 से काम कर रहे थे, मैंने 1971 से काम शुरू किया, एंड नाउ माय सन ही विल फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली. तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं दूल्हा का बाप हूँ, और किसी भी बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिस लाइन में उसका बेटा जाना चाहता है या बाप का ताल्लुक जिस लाइन से है, बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है. तो ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है अली का, और यकीनन मुझे उम्मीद है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी फोकस्ड. तो ये यकीनन फैमिली की लेगेसी को ये कायम रखेगा, और पहला कदम है इसका. तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. अली जी, जी सी, देखिए जब मैं पहले दिन शूटिंग कर रहा था तो वो प्रेशर तो रहता है, यू नो, यू थिंक अबाउट थिंग्स. आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे सोचते हैं. अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. सो बट प्रेशर था, बट जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, यू नो, प्रेशर चला गया. सो या इट वॉज फाइन बाई द एंड ऑफ इट. एंड कमिंग बैक टू हिज गोल्डन वर्ड्स, जस्ट वर्क हार्ड, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट. या और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋषि कपूर, उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है अली के लिए. He had mentioned my father, he had mentioned me as his friend and colleague. और अली को उन्होंने बेस्ट विशेज दिए हैं ऋषि कपूर ने. एंड एज यू नो के मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक रहा है. टू बी प्रिसाइज, पूरा ताल्लुक मेरा कपूर फैमिली से रहा है. मैंने 3 फिल्में मुतवातिर की हैं उनके साथ. तो इट्स लाइक अ फैमिली. सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि चिंटू ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया. और अली जी, आई एम अप फॉर एनी थिंग. मतलब आप मुझसे नेगेटिव करा लिए या पॉजिटिव करा लिए या यू नो ए प्लस बी प्लस माइनस करवा लिए, आई एम अप फॉर एनी थिंग. आई डोंट रियली हैव दिस इश्यू के यू नो प्रोटैगनिस्ट है एंटैगनिस्ट है. वो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. इफ द स्क्रिप्ट इज़ गुड, आई नो इट साउंड वेरी क्लीशेड, बट आई विल डू इट. एज सिंपल इज़ दैट. नहीं, बहुत अच्छा है, और ग्लोबली इसकी ऑडियंस है, मिलियंस में है, करोड़्स में है. तो ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खुल गई है, एंड आई थिंक के बोथ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू को एग्जिस्ट, फिल्म्स एंड वेब फिल्म्स, ये बिल्कुल एक साथ चलेंगी. सो चलना भी चाहिए, एक तब्दीली आना चाहिए. एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ यू कांट विन देम जॉइन देम. अगर आप उन्हें जीत नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए. हम ये काम करेंगे. हम वी फाइटिंग ईच अदर. No, so, not really. I'll be very nervous working with him. I'll be very honest with you. देखिए, ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊँ, क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा. ऐसी भारी पर्सनालिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे. यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए. तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट इसको बहुत गट्स कल्टिवेट करने होंगे मेरा सामना करने के लिए. थैंक यू.
थैंक यू। बस यही कहूँगा आप सबसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में। बस मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए, इसने बड़ी मेहनत की है, इसकी हिम्मत को सराहिए, इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए, यही कहूँगा। होली जो है वो रंग हैं, होली में भांग है, होली में मस्ती है, होली में हंसी मजाक है और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं। होली मैं हमेशा बहुत इन्जॉय करता हूं और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है। तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की, जो कि प्यार का त्यौहार है, जो कि मोहब्बत का त्यौहार है, जो कि भाईचारे का त्यौहार है, जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कहता हूं कि आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप सदा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली। थैंक यू। थैंक यू।